Hey guys, hi to all. Today we are going to do the question answer of the poem An Elementary Classroom School in a Slum. So the very first thing here we are discussing about is, tick the item which best answers the following. A part is, the tall girl with her head weighed down means the girl. Blank is, options are, is ill and exhausted, has her head bent with shame, has untidy hair. So option number 1 is suitable here. You can tick it. Question number 2 means part B is, the paper seeming boy with rat's eye means the boy is sly and secretive, thin, hungry and weak, unpleasant looking. So option number B is suitable here. Thin, hungry and weak. वो लड़का जो है वो कमज़ोर है, पतला है, भूखा है और कमज़ोर है. सी पार्ट इज, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी विथ शॉर्ट एंड बोनी. सो ऑप्शन नंबर 1 इज सूटेबल हेयर, हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी. पार्ट डी इज, His eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree room other than this. This means the boy is, the very first option is, distracted from the lesson. Now, fifth part is, the children's faces are compared to rootless weeds. This means that they are insecure, are ill-fed, are wasters. So, rootless weeds we get from here, they are the waste plants. So they are the wasters. Here part 3 is the suitable option. You can see and match your answers. Answers are also provided here. Now comes question number 2. What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? So the answer of this question is, sour cream may indicate a dirty yellowish color. The poet uses the expression sour cream walls to represent the color as well as the foul smell emitted by these walls. तो यहाँ पे जो sour walls हैं वो indicate कर रही हैं कि वो yellowish color की हैं और dirty walls हैं. उसके साथ साथ जो poet है वो expression sour cream walls use कर रहा है ताकि वो ये represent कर सके कि जो color है वो तो है ही dirty. येलोइश कलर जो है वो डर्ट जो है उसको दिखा रहा है. उसके साथ साथ जो वॉल्स हैं वो इमिट कर रही हैं एक फोल स्मेल को, डर्टी स्मेल को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वॉल ऑफ द क्लासरूम्स आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स विद डोम्स, वर्ल्ड मैप एंड ब्यूटिफुल बेलीज. हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन. तो ये क्लासरूम की वॉल्स उनको डेकोरेट किया गया है, उसके बीच में शेक्सपियर का पिक्चर है जो डोनेशन से उनको मिला है, बिल्डिंग विद डोम्स हैं, वर्ल्ड मैप्स हैं एंड ब्यूटीफुल बेलीज हैं. ये सब चीज़ें जो हैं किस तरह से कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के वर्ल्ड से ये कैसी चीज़ें जो हैं ये विपरीत है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज रिप्रेजेंट ऑनर. एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऑनर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सिविलिटी को, ब्यूटी को, वास्टनेस को. वाइल द पॉवर्टी स्ट्राइकन एंड निगलेक्टेड किड्स इन द क्लासरूम आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द लैक. एम्बॉडीमेंट होता है जीता जागता नमूना जो कमी को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे. दे लैक ब्यूटी, उन वो ब्यूटीफुल नहीं है. एजुकेशन की कमी है उनके बीच में, डेवलपमेंट जो है उनकी प्रॉपर नहीं हो पाई है. फ्रीडम टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड, इवन देयर फ्यूचर डज नॉट होल्ड एनी प्रॉमिस. इन फैक्ट देयर आर चांसेस दिस पिक्चर मे टेम्प्ट देम टू परस्यू रॉन्ग पाथ इन ऑर्डर टू फाइंड वेज टू अटेन द थिंग्स इंडिकेटेड बाय देम. तो जो चीज़ें हमने पढ़ी इसका मतलब है कि उनके बीच में इतनी कमियाँ हैं कि शायद वो इन पिक्चर्स को देख के, वर्ल्ड मैप को देख के, ब्यूटिफुल वैलीज को देख के, बिल्डिंग्स जो डोम्स के साथ दिखाई हुई हैं, शेक्सपियर का पिक्चर देख के वो कहीं रॉन्ग पाथ को अटेन ना कर लें, क्योंकि उनको, उनके लिए ये चीज़ें महज चीज़ें ही हैं. उनको इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इनके मीनिंग्स के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई वहाँ पे उनको बताने वाला भी
नहीं है. सो वी कैन से दस द कॉन्ट्रास्ट इज हाईलाइटेड बाय जस्ट पोजिंग द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्चर एंड द रियलिटी ऑफ दिस किड्स कन्फाइंड इन अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई बोथ मेड प्रेजेंट इन द सेम क्लासरूम. सो यहाँ पे जो हमें दिखता है कि जो चीज़ें हमें बताई हुई हैं उनके साथ उनका बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट वर्ल्ड चल रहा है, क्योंकि वो कहाँ पे रहते हैं और जहाँ पे वो रहते हैं उसी चीज़ को वो रियलिटी मान के चल रहे हैं, क्योंकि उनका घर जो है नैरो स्ट्रीट्स में है जो सील कर दी हुई हैं एक लेड स्काई ने, जो एक अगेन पॉल्यूशन जो है क्रिएट हुआ है उनके माहौल के बीच में, उसी की वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डार्क है, अंधेरा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइफ बी मेड टू चेंज. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो पोएट जो है वो क्या चाहता है इन बच्चों के लिए जो स्लम्स के बच्चे हैं, और उनकी लाइफ जो है वो कैसे चेंज हो सकती है, कैसे उनकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं. He wants the children of the slum to venture into the outside world. वो चाहता है कि बच्चे जो है ये outside world के बाहर वापस आएँ, बाहर आएँ, beyond the boundaries of their slums. उनकी जो slum है उनकी boundaries को पीछे छोड़ के वो आगे निकले and experience a better present and future life. और वो experience करें present जो उनका आज का time है उनको वो अच्छे से present करें और उसके साथ future की life जो है उनकी better हो. द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम डज नॉट सर्व एनी पर्पज विद इट्स पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स. एलिमेंट्री स्कूल जो है स्लम का वो कोई भी पर्पज जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा है इन बच्चों का, जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिसइंटरेस्टेड बच्चे हैं ये. द पोइट फील्स दैट द गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर शुड टेक इनिशिएटिव टू ब्रिंग अबाउट अ रियल चेंज इन देयर सिचुएशन. जो पोइट है उसको ये फील करता है वो कि गवर्नर जो हैं इंस्पेक्टर और डिफरेंट विजिटर्स जो हैं उनको आके इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि वो कोई रियल चेंज जो है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में ला सके. टू इंश्योर ए बेटर वे ऑफ लिविंग फॉर देम, वो ये बना सके कि एक इंश्योर कर सके कि वो एक अच्छा जो है जीवन इन बच्चों को दे सके. दे नीड टू बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम देयर प्रेजेंट कन्फाइंस. उनको चाहिए, इन बच्चों को ज़रूरत है कि इनको प्रॉपर एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए और इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए उनके प्रेजेंट कन्फाइन से. प्रेजेंट कन्फाइन मतलब जो बाउंड्रीज उनकी आज की हैं उन बाउंड्रीज को हटा के उनको फ्री करना चाहिए. दे नीड अपॉर्चुनिटीज़ इनकरेजमेंट एंड ऑप्टिमिज्म टू बी एबल टू लिव लाइफ विद पर्पज़ एंड जेस्ट. उनको चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़, उनको चांसेस मिलने चाहिए, उनको इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए और उनको एक ऑप्टिमिज़म मिलना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ जो है उसको एक पर्पस और एक जेस्ट के साथ वो जी सके, कुछ कर सके अपनी लाइफ में. तो ये सब कुछ तब पॉसिबल होगा जब उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलेंगी या फिर उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड होगी, उनको कुछ चांसेस मिलेंगे ताकि उनका जो बच्चे हैं वो क्या फील करते हैं उनको कोई सिखाएगा, तब जाके उनकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है. अदरवाइज़ वो वैसे ही स्लम के अंदर ही वो मतलब उनकी पैथेटिक कंडीशन ही रहेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू ऑल.